इस साल देश में खाद्यान्न का संकट नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में भरपूर अनाज उसके कोटे में है। रिकॉर्ड के मुताबिक सरकार के पास सरकारी गोदामों में 227 टन गेहूं है, जबकि बफर का अनिवार्य बफर स्केल 205 लाख टन है, यानी देश में 22 लाख टन अधिक गेहूं का स्टॉक है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास प्रॉपर खाद्यान्न भंडार है और अनाज की किल्लत किसी भी सूरत में नहीं होगी। वर्ष 2022 में खाद्यान्न खरीद शुरू हो गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसरों का कहना है कि 1 अप्रैल 2023 तक गेहूं का आवश्यक बफर स्केल 75 लाख टन होना चाहिए, जबकि इस बार गेहूं खरीद की स्थिति को देखते हुए ये 113 लाख टन हो सकता है। एफसीआई के पास बफर स्टॉक का जो लेवल है वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य योजनाओं के संचालन के लिए पर्याप्त है और अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी, ऐसे में गेहूं का स्टॉक भी तेजी से बढ़ता जाएगा। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गेहूं की आवक 2010 के बाद सबसे अधिक है। 2010 में यह 4.38 मिलियन टन थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त तक गेहूं की आवक 20.90 मीट्रिक टन के 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 2019 में अगर देखा जाए तो गेहूं की आवक 22.95 मीट्रिक टन थी, जबकि 2020 में 15.19 मीट्रिक टन, तो वहीं 2021 में 17.51 मीट्रिक टन रही। गेहूं की कीमतें फिलहाल स्थिर चल रही हैं, क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह के समान ही अब 2304.52 रुपए प्रति क्विंटल है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच निर्यात अधिक होने के कारण मई में कीमतें 2500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। इसे एफसीआई गेहूं की खरीद में 56% की गिरावट आई थी, जो एक साल पहले 43.44 मीट्रिक टन के मुकाबले इस साल 18.9 मीट्रिक टन हो गई। गिरावट के चलते केंद्र सरकार ने 13 मई से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार का कहना है कि देश में खाद्यान्न का संकट फिलहाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त भंडार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।